धुंध के कारण प्लस धुआं जो पलारी साफ था इसके कारण बहुत प्रॉब्लम। आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से? प्रॉब्लम आँख में जो है कि मचता है तो आँख में लगता है, बाकी कोई ग्राहक कस्टमर नहीं आता इसके धुंध के कारण। नहीं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? कल पूरा दिन जैसे मौसम जैसे पूरा धुआं धुआं लग रहा था। हाँ जी, ठीक है। इसके वजह से लोगों का कहना है काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। क्या क्या हो रहा था प्रॉब्लम? आँख में लगता है, दूसरा बात कोई गाहक जो इतना धुआं दे के गाहक नहीं आता, हम लोग को बहुत डिस्टर्ब होता है। मौसम का जड़ा जी जड़ा एक रुत तो पहला जड़ा आ जाना है सर्दी ने, इस करके जो बदलाव है, बदलाव जोड़ा साढ़े वास्ते जोड़ा एक घातक हो रहा सिद्ध, क्योंकि इस जरा सू सिस्टम देता जी धुंद गवार जी होंगी है, जो सवेरे सर घर तो निकलते 5 बजे, 5 बजे निकल सू रस्ते बड़ी औख आँगी है इस करके, क्योंकि जी औख है वो साढ़े वास्ते घातक होंगी है। कई बार तुरै जाते एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार चलते चलते कदे किसी जवाज दे कदे किसी जवाज दें, इस करके ना ये जड़िया गल् है ये सारिया ही ये मौसम के उत्ते भी डिपेंड कर दी। तो बाकी जोड़ा है तुम्हें पता ही है, तुम जानते सर इन चीज़ों बारे कारण की समझते हो कि कारण जो है जिमें कि धुआं हैगा, धुआं उपर चढ़ जाता जिमें पराली अग लाई जाती है, उसके जोड़ा कीटनाशक दवाइया होंगे, कीटनाशक जो दवाइया एक जहर होंगे जो जहर उपर चढ़ता, तो जहर जो उपर चढ़ता जो थले डगता वो अखों से क्रैश होंगी है, गले से क्रैश होंगी है, और मतलब जोड़ा शरीर है वो तंदुरुस्त नहीं रहता।